अकाउंटिंग नो प्रॉब्लम में आपका स्वागत है। मैं हूँ आरती। आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे प्रार्थना है, कृपया सोचें, आप डेटा एंट्री ऑपरेटर यानी बाबू बनना चाहते हैं या अकाउंटेंट? आप टैली का अधूरा ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं या उसके विद्वान बनना चाहते हैं? यदि आप अकाउंटेंट या विद्वान बनना चाहते हैं, तो हमारा आपसे निवेदन है, इस वीडियो सीरीज की सभी वीडियोस को एक एक करके क्रमानुसार ही देखें। वीडियोस को क्रमानुसार देखने के दो तरीके हैं। पहला है हमारी वेबसाइट द्वारा और दूसरा हमारे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट द्वारा। टेली प्राइम की इस वीडियो सीरीज के आज के अध्याय में हम आपको बताएंगे कि टेली प्राइम में कंपनी फीचर्स और कॉन्फ़िगरेशन क्या हैं और टेली प्राइम में काम करने के लिए ये क्यों और कितने महत्वपूर्ण हैं। इसके पहले वाली वीडियो में आपने किसी भी ट्रांजेक्शन को देखकर ये पहचानना सीखा कि उसे टैली में किस वाउचर में रिकॉर्ड करते हैं। आज के अध्याय में आप बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स, कंपनी फीचर्स और कॉन्फ़िगरेशन के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम बताते हैं कि कंपनी फीचर्स और कॉन्फ़िगरेशन क्या है और फिर देखते हैं कि इनका उपयोग कैसे करते हैं। इन दोनों के अंतर्गत आपको ऐसे बहुत से ऑप्शंस मिलेंगे जिनकी सहायता से आप टैली का और भी अच्छे से उपयोग कर सकते हैं। इन्हें एक बार देखकर नहीं समझा जा सकता है, इसलिए इन्हें आप टैली में काम करते समय अलग अलग जगहों पर उपयोग करते हुए सीख सकेंगे। इस वीडियो में हम मात्र इनका सामान्य परिचय आपको दे रहे हैं। यहाँ पर हमने टैली में एक कंपनी ओपन कर रखी है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कंपनी फीचर्स F11 के बारे में। टैली प्राइम के कंपनी फीचर्स में जो ऑप्शंस हैं, वो आपके फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को आपके बिजनेस की जरूरत के हिसाब से मेंटेन करने की क्षमता प्रदान करते हैं। आइए इसे सरल शब्दों में समझते हैं। जैसा कि फीचर्स का अर्थ होता है विशेषताएं, टैली सॉफ्टवेयर की कई विशेषताएं हैं जिनका आप अपनी जरूरत के अनुसार उपयोग कर सकते हैं और ये सभी आपको कंपनी फीचर्स के अंतर्गत मिलती हैं। मान लीजिए आपने टैली में 10 कंपनियां बना रखी हैं और उनमें से किसी एक कंपनी में आप कंपनी फीचर्स के कुछ ऑप्शंस चालू यानी इनेबल कर देते हैं, तो उनका प्रभाव केवल उसी कंपनी में दिखेगा जिसमें आपने इन्हें इनेबल किया है, यानी अन्य 9 कंपनियों पर उनका कोई प्रभाव नहीं होगा। कंपनी फीचर्स के लिए हमें टॉप मेन्यू बार में कंपनी ऑप्शन पर जाना होगा, उस पर क्लिक करें या ऑल्टर और के कीज को प्रेस करें। देखिए यहाँ पर फीचर्स लिखा हुआ है और इसकी शॉर्टकट की है F11। टैली में कहीं भी काम करते हुए F11 की को प्रेस करके कंपनी फीचर्स मेन्यू को एक्सेस किया जा सकता है, यानी उस तक पहुंचा जा सकता है। हम F11 की प्रेस कर रहे हैं। ये देखिए कंपनी फीचर्स ऑल्टरेशन स्क्रीन आ गई है और यहाँ टैली में जो कंपनी एक्टिव है उसका नाम भी दिखाई पड़ रहा है। टैली प्राइम में कंपनी फीचर्स को कुछ मुख्य कैटेगरीज में बांटा गया है, जिनमें बेसिक यानी प्रायः सभी के लिए उपयोगी हैं अकाउंटिंग फीचर्स, इन्वेंटरी फीचर्स और टैक्सेशन। अन्य फीचर्स देखने के लिए यहाँ शो मोर फीचर्स के आगे नो दिखाई पड़ रहा है, उसे यस करना होगा। बैकस्पेस की प्रेस करें, यस पर जाएं और एंटर प्रेस करें। देखिए कुछ और फीचर्स दिखाई पड़ने लगे हैं और यदि आप सभी फीचर्स देखना चाहते हैं तो शो ऑल फीचर्स को भी यस कर दें। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात ध्यान रखें, आपको जिन फीचर्स की जरूरत है सिर्फ उन्हें ही चालू करें यानी यस करें, क्योंकि आप जितने भी फीचर्स चालू करेंगे उन सभी की एक एक प्रोसेस और बढ़ जाएगी। अब आप यहाँ कुल 6 कैटेगरीज देख रहे हैं और इन सभी कैटेगरीज में इनके नाम के अनुसार बहुत सी सेटिंग्स भी उपलब्ध हैं, जो कि हमें वाउचर एंट्री के दौरान एडवांस्ड फंक्शंस की सुविधा प्रदान करती हैं। यहाँ दिखाई पड़ रहे किसी भी ऑप्शन पर जाने के दो तरीके हैं। पहला, उस पर माउस से क्लिक कर दें, दूसरा अप या डाउन एरो से उस पर जाएं। चलिए हम कुछ ऑप्शंस समझ लेते हैं। जैसे अकाउंटिंग के अंतर्गत इनेबल बिल वाइज एंट्री दिखाई पड़ रहा है,
ये ऑप्शन चालू है। इसका मतलब ये है कि जब भी आप किसी सप्लायर या कस्टमर से संबंधित कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे तो टैली आपसे पूछेगा कि आप जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं वो एडवांस्ड पेमेंट से संबंधित है या किसी पुराने बकाया बिल से इत्यादि। अब यदि आप इस ऑप्शन को नो करके विंडो सेव कर लेंगे तो टैली आपसे ये प्रश्न पूछना बंद कर देगा। आइए अब इन्वेंट्री यानी स्टॉक के अंतर्गत आने वाले इनेबल बैचेस के बारे में समझ लेते हैं। अभी ये ऑप्शन बंद है। यदि हम चाहते हैं कि जब भी कोई माल यानी गुड्स खरीदे या बेचे तो उसके साथ उस माल के बैच यानी उस माल की मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट इत्यादि की जानकारी भी हो तो ये काम हम इस ऑप्शन को यस करके कर सकते हैं। चलिए टैक्सेशन के अंतर्गत आने वाले एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑप्शन एनेबल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को भी समझ लेते हैं। जिन लोगों के पास जीएसटी नंबर है तो उन्हें टैली में जीएसटी के नियमों के अनुसार हिसाब किताब रखने के लिए इनेबल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को यस रखना होता है, पर जिनके पास जीएसटी नंबर नहीं है उन्हें इस ऑप्शन को नो करना होता है। जैसे कि हमारे पास जीएसटी नंबर नहीं है तो हमें इसे नो करना होगा। हम माउस से इस पर क्लिक कर रहे हैं। अब नो के लिए एन टाइप करें और एंटर प्रेस कर दें। अब इस विंडो को एक्सेप्ट करने के लिए कंट्रोल और ए कीज प्रेस करें। आगे बढ़ने से पहले हम आपको फिर याद दिला दें कि इस वीडियो में हम आपको जो समझा रहे हैं वो एक बार देखकर नहीं समझा जा सकता है। इन्हें टैली में काम करते समय अलग अलग स्थान पर हम आपको उपयोग करते हुए सिखाएंगे। इस वीडियो में हम मात्र इनका सामान्य परिचय आपको दे रहे हैं। आइए अब कॉन्फ़िगरेशन F12 को समझ लेते हैं। टैली प्राइम में कॉन्फ़िगरेशन के अंतर्गत ऐसे ऑप्शंस हैं जो आपको किसी फीचर को मॉडिफाई करने में मदद करते हैं। यहाँ आपको दो महत्वपूर्ण बातें बता दें। पहली, जब कॉन्फ़िगरेशन के किसी भी ऑप्शन को इनेबल यानी चालू किया जाता है तो डेटा डायरेक्टरी में जितनी भी कंपनियां हैं उन सभी पर इसका प्रभाव पड़ता है। अब डेटा डायरेक्टरी क्या है इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। दूसरी बात ये कि कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शंस उनके ऑपरेशन के हिसाब से बदलते रहते हैं। सरल शब्दों में कह सकते हैं कि अलग अलग जगह पर काम करते समय जब हम F12 की प्रेस करते हैं तो काम के हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन विंडो भी बदल जाती है। इसे अच्छे से समझने के लिए पहले हमें वाउचर्स में जाना होगा जिसके लिए V प्रेस कर रहे हैं। यहाँ पर हम आपको बता दें कि वाउचर्स का उपयोग ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है जिन पर हम इसके बाद वाली वीडियो में काम करेंगे। देखिए वी प्रेस करते ही अकाउंटिंग वाउचर क्रिएशन स्क्रीन आ गई है जिसमें राइट साइड बटन बार में सबसे नीचे कॉन्फ़िगर लिखा हुआ है और उसके आगे उसकी शॉर्टकट की F12 दिखाई पड़ रही है। हम F12 प्रेस कर रहे हैं। देखिए वाउचर कॉन्फ़िगरेशन विंडो आ गई है और यहाँ कई ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं। आप इन ऑप्शंस को अपने बिजनेस की जरूरत के हिसाब से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हम इनमें से एक समझ लेते हैं। इसमें यहाँ वॉन ऑन नेगेटिव कैश बैलेंस लिखा है और उसके आगे यस लिखा है। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप कैश पेमेंट से संबंधित कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने जाएंगे और आपकी बुक्स में कैश अकाउंट का बैलेंस कम होगा तो टैली आपको नेगेटिव कैश की वार्निंग देता है। और यदि आप चाहते हैं कि कैश बैलेंस नेगेटिव होने के बाद भी इस तरह की वार्निंग ना आए तो आप इसे नो करके इस विंडो को सेव कर लें। इस तरह आप किसी भी ऑप्शन का उपयोग करके अपनी जरूरत के अनुसार कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। चलिए एक और उदाहरण देख लेते हैं। अभी हम गेटवे ऑफ टैली पर हैं और यहाँ से हम डे बुक देखना चाहते हैं जिसका शॉर्टकट है K। देखिए डे बुक की स्क्रीन आ गई है। ये एक तरह की रिपोर्ट है और आगे हम इसके बारे में विस्तार से समझेंगे। इसमें भी राइट साइड बटन बार में नीचे आप कॉन्फ़िगर लिखा हुआ देख रहे हैं। हम उसका शॉर्टकट F12 प्रेस कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ भी कॉन्फ़िगरेशन स्क्रीन आ गई है और आप यहाँ कई ऑप्शंस देख रहे हैं। इन ऑप्शंस को आप अपने बिजनेस की जरूरत के हिसाब से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। यहाँ पर हम आपको एक बात याद दिलाना चाहेंगे। जैसा कि हमने आपसे कहा था कि अलग अलग जगह पर कार्य करने के हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन विंडो भी बदल जाती है, तो यहाँ पहले वाली कॉन्फ़िगरेशन विंडो और अभी जो कॉन्फ़िगरेशन विंडो ओपन है आपने देखा होगा कि दोनों अलग अलग हैं। संक्षेप में हम ये कहना चाहते हैं कि अलग अलग स्क्रीन पर जब आप F12 प्रेस करेंगे तो आप जो भी काम कर रहे होंगे उसके हिसाब से आपको कॉन्फ़िगरेशन विंडो दिखाई देगी।
चलिए कंपनी फीचर्स और कॉन्फ़िगरेशन को शॉर्ट में समझ लेते हैं। कंपनी फीचर्स की सहायता से आप जिस कंपनी में चाहें उसमें कुछ अतिरिक्त सुविधाएं या फीचर्स चालू कर सकते हैं। जैसा कि मान लीजिए आप पार्टियों का बिल टू बिल हिसाब रखना चाहते हैं, या गुड्स का बैच वाइज रिकॉर्ड रखना चाहते हैं, या यदि आपके पास जीएसटी नंबर नहीं है या है और आप उसके हिसाब से अपनी अकाउंट्स बुक्स रखना चाहते हैं, तो ये काम आप कंपनी फीचर्स की सहायता से कर सकते हैं। जबकि कॉन्फ़िगर ऑप्शन की सहायता से आप टैली में जो भी सुविधाएं उपलब्ध हैं, यानी फीचर्स अवेलेबल हैं, उन्हें एक्टिवेट या डीएक्टिवेट कर सकते हैं। जैसे यदि आप कैश पेमेंट से संबंधित कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे हो और उस समय आपकी बुक्स में कैश बैलेंस नहीं है, तो टैली हमें नेगेटिव कैश की वार्निंग देता है। इसी तरह आप किसी माल का सेल्स बिल बना रहे हैं और वो माल स्टॉक में नहीं है, तो टैली नेगेटिव स्टॉक की वार्निंग देता है। यदि आप चाहते हैं कि ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते समय टैली आपको इस तरह की वार्निंग ना दे, तो आप इसे कॉन्फ़िगरेशन की सहायता से बंद कर सकते हैं और जो ऑप्शंस बंद हैं उन्हें चालू कर सकते हैं। पर ध्यान रखें, ये एक्टिवेशन या डीएक्टिवेशन डेटा डायरेक्टरी की सभी कंपनियों पर लागू होगा। दोस्तों, इस वीडियो में आपने जाना कि टैली में कंपनी फीचर्स और कॉन्फ़िगरेशन क्या हैं और टैली में काम करने के लिए ये कितने और क्यों महत्वपूर्ण हैं। इसके बाद वाली वीडियोस में हम आपको बताएंगे कि रिसीट वाउचर, पेमेंट वाउचर और कॉन्ट्रा वाउचर क्या हैं और उनमें ट्रांजेक्शन कैसे रिकॉर्ड करते हैं।